तो दोस्तों जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्लॉट स्कीम 23 मई को लॉन्च की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक न केवल भारतीय बल्कि तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस मेडिकल डिवाइस पार्क में जमीन हासिल करना चाहती है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस मेडिकल डिवाइस पार्क का विकास दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत 110 एकड़ क्षेत्र में भूखंड आवंटन होंगे। इस बार 85 भूखंडों का आवंटन किया जाना है। भूखंड आवंटन योजना 23 मई को घोषित की जा रही है। यह उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है जिसके लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी है। यह धनराशि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को मिल चुकी है। सीईओ ने आगे बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सेक्टर 28 में यह मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है जिसका कुल क्षेत्रफल 350 एकड़ निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पिछली बोर्ड बैठक में भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी है। अब औद्योगिक संस्थान और तमाम दूसरी श्रेणी की जमीनों का आवंटन ऑनलाइन बिडिंग के जरिए किया जाएगा। बोर्ड में मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसके मुताबिक केवल यह योजना ऐसी रहेगी जिसमें ड्रा के जरिए भूखंड आवंटन होगा। यह आवेदन 85 भूखंडों के लिए मांगे जाएंगे। आवेदन की तारीख खत्म होने के बाद ड्रॉ की तारीख मुकर्रर की जाएगी। जिन कंपनियों के नाम ड्रॉ में आएंगे उन्हें भूखंड आवंटन किया जाएगा। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।